कर्नाटक में नया सियासी नाटक जारी। अब हलाल मीट पर गरमाई राजनीति। विधानसभा चुनाव से क्या है कनेक्शन? कर्नाटक में सियासी नाटक जारी है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है तो दूसरे दल के नेता भी मौजूदा बोमई सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कहने का मतलब है कि हिजाब के बाद कर्नाटक में एंटी हलाल मीट बिल का विरोध हो रहा है। दरअसल कर्नाटक में पिछले दिनों हिजाब और मीट पर विवाद हुआ था। हिजाब का मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब कर्नाटक में एंटी हलाल बिल पर विवाद तेज है। कर्नाटक सरकार के हलाल मीट पर बैन लगाने की खबरों के बीच सियासी हंगामा हो रहा है। मौजूदा सरकार के कदम से विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग अभी से शुरू है। कांग्रेस ने पिछले सत्र के दौरान धर्मांतरण विरोधी विधेयक को लेकर बीजेपी के साथ तीखी बहस की थी। शीतकालीन सत्र में भी हलाल मीट को लेकर सदन में माहौल गर्म बना रहने का अंदेशा है। दरअसल अप्रैल 2022 में हलाल मीट पर कर्नाटक में भारी बवाल हुआ था। हिंदू संगठनों ने हलाल मीट के बहिष्कार करने की अपील की। हलाल मीट के विरोध में हिंदू जागृति समिति, श्रीराम सेना, बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठन कर्नाटक में सड़कों पर उतर गए। हिंदू संगठनों का कहना था कि उगादी के मौके पर चढ़ाया जाने वाला मीट झटका ही होना चाहिए। उनका सवाल था कि एक विशेष समुदाय के चलते सभी हलाल मीट क्यों खाएं? इन सब के बीच दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक में होटल और रेस्टोरेंट में हलाल मीट के इस्तेमाल को रोकने की कोशिश तेज है। इसी के चलते सरकार एंटी हलाल बिल ला रही है। अगर हलाल मीट की बात करें तो हलाल एक अरबी का लफ्ज है जिसका मतलब होता है जायज। मान्यता है कि मुस्लिम हलाल गोश्त खाते हैं जबकि हिंदुओं में झटका मीट खाने की मान्यता है। लिहाजा इस पूरे बिल को धार्मिक चश्मे से देखा जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कर्नाटक में कई मुद्दों पर सियासी नाटक हो चुका है जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा हिजाब बैन का था। यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। राजनीतिक पंडितों की माने तो कर्नाटक में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले सत्ताधारी बीजेपी सियासी मुद्दे तलाश रही है। दरअसल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने के बाद बीजेपी के इलेक्शन मैनेजर का ध्यान कर्नाटक पर है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से एक साल पहले 2023 में कर्नाटक में चुनाव होने हैं। कर्नाटक के अलावा साल 2023 में 10 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव हैं। अगर साल 2018 के विधानसभा चुनाव को देखें तो तीन पार्टियों में से कोई भी बहुमत हासिल नहीं कर सकी थी। कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई लेकिन बीजेपी सरकार गिराने और सरकार बनाने के लिए दोनों पार्टियों के विधायकों को अपने साथ जोड़ने में सफल रही। इसमें येदियुरप्पा का नाम सबसे बड़ा रहा। उन्होंने विधायकों को बीजेपी से जोड़ने का काम किया था लेकिन बीजेपी आला कमान ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और उनकी जगह बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया। माना जा रहा है कि कर्नाटक में बीजेपी मजबूत स्थिति में नहीं है, लिहाजा एक खास मतदाता वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। अब देखना होगा कि एंटी हलाल बिल पर कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले क्या कुछ होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।